हमारे वीडियो को लाइक करें और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन करें। माता कहती आप समझते नहीं है, हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो कोई हमारे यहाँ नहीं आएगा। महादेव जी कहते हैं अच्छा है ना आए, सांसारिक लोग आएंगे, 10 सांसारिक बातें करेंगे, कोई नहीं आएगा तो हम भगवान का नाम जप करते रहेंगे।
दोनों में थोड़ी बाताबाती हो जाती है, माता तो चली गई। देखिए यहाँ पर माता ने गलती कर दी। मैं सबसे कहूंगी यहाँ पर जो पति पत्नी है गृहस्थ का पालन कर रहे हैं, जिस दिन झगड़ा हो उस दिन घर छोड़कर नहीं जाना, दो दिन बाद चले जाओ, दो दिन बाद चले जाओ, लेकिन जिस दिन झगड़ा हो उस दिन घर छोड़कर नहीं। कहाँ जा सकते हैं, कहाँ चला, क्योंकि मेरा जो अपमान हो रहा होगा। हल्दीरो मोले चुकावाला, उगतेड़ो सूरज रो रंग लागे सुरंगो, मैं तो भोरा भोर पाणे बिठावाला, मैं तो हरा हरा मूंग बिखरा। ठीक है,
मैं उनके पास नहीं जा सकता, वो तो मेरे पास आ सकते हैं। नारद जी ने कहा, क्या मतलब? अरे मैं उनसे मिलने उनके पास नहीं जा सकता, वो तो मुझसे मिलने यहाँ आ सकते हैं। नारद जी ने कहा, जरूर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुव जी कहते, करूंगा, कठोर से कठोर तपस्या करूंगा, मुझे भगवान विष्णु से मिलना है। तो नारद जी कहते हैं, तो फिर कहो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। आपको नहीं मिलना, आपको भगवान से नहीं मिलना, तो कौन गाएगा? ओम नमो, ओम, क्या बात है, आइए सब मिलकर भगवान को मनाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, मानो सब भगवान से कह रहे हैं कि अब उस बच्चे की और परीक्षा ना ले, उसको दर्शन दे दीजिए। और वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान कहते हैं, पुत्र उठो, देखो मैं आ गया। ध्रुव जी कहते हैं, आप कौन? अरे मैं वासुदेव जिसकी तुम तपस्या कर रहे हो। ध्रुव जी उनको गले से लगा लेते हैं। भगवान कहते हैं, कहो क्या पूछना चाहते थे? ध्रुव जी कहते हैं, छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? मेरे पिताजी अब मेरी माता के पास क्यों नहीं आते? छोटी माता ने मुझसे इतनी बातें कही, पिताजी ने क्यों कुछ नहीं कहा? अरे भगवान कहते, अरे अरे अरे, इतने सारे प्रश्न एक साथ। पहला प्रश्न पूछो जिसका उत्तर सबसे पहले जानना चाहते हैं। ध्रुव जी कहते हैं, छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? भगवान कहते हैं, तो यही प्रश्न है जो तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। ठाकुर जी ध्रुव जी के सर पर हाथ रखते हैं और साक्षात मां सरस्वती ज्ञान उनके मस्तक पर प्रवेश कर जाता है। भगवान कहते हैं, और कोई प्रश्न है? ध्रुव जी कहते हैं, अब और कोई प्रश्न नहीं है, सारे उत्तर मिल गए मुझे। इस प्रकार भगवान ध्रुव जी को दर्शन देते हैं। Thank you.
वीडियो को लाइक करें और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपने बच्चों को शिक्षित करें, सभी से निवेदन है। भरत जी को उन्होंने नहीं पढ़ाया कि आगे जाकर दिक्कत करेगा, इसको सब समझ आ जाएगा, अपना हिस्सा।